أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا وتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون क्यामत का नक्शा और अमाल नामों की पेशी है जिसमें ख़ास तौर पर आपको थर्टीन से एटीन तक क़्यामत की आँखों देखी झलकियाँ दिखेंगी कि किस तरीके से लोग उलटते पुलटते दिख रहे हैं दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें आज ही अपने आप को इस सारी मामला सारी चीज़ों से पाक करने वाला बना दे जो क्यामत के दिन हमें शर्मिंदा कर देंगी और शर्मिंदगी का जरिया बन जाएंगी आज दुनिया में बहुत आसान है ऐसे कि जब किसी को गलत बस पे कोई सवार करवा दे और उसको यकीन आ जाए ना कि मैं गलत बस पे बैठ गया हूँ फ़ौर छलांग लगा देगा फ़ौर वहाँ से पलट जाएगा वरना आपको पता क्या होगा वही होगा कि फिर वो इंसान गलत जगह पे पहुँचेगा कुरान के इस पारे तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको यकीन हो गया है ना कि मैं गलत बस पर बैठी थी बस छलांग लगा दीजिए और कुछ नहीं अल्लाह सुबहान तला आपको वाकई से निकाल देगा और आप महसूस करके देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएँगी तो अपने लिए दुआ कीजिए क्या मेरे मालिक मुझे बस अब आगे जाना है और तेरी रज़ा की उम्मीदों के साथ दुनिया से जाने वाली हूँ अरे मेरे मालिक तो मेरी मदद फरमा दे तो जिसका नाम अमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा लो मेरा अमाल नामा पड़ो मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है बस वो एक पसंद जिंदगी में होगा बुलंदों वाला जन्नत में होगा जिसके मेवे झुके पड़े होंगे इनसे कहा जाएगा मज़े से खाओ पियो अपने ही नामाल के बदले में जो तुमने गुजश्ता ज़माने में किए यहां तक एक किरदार पूरा होता है कैसी ज़िंदगी चाहते हैं यहाँ पर मैं हाउ मुक्रो किताब यह वाला इंजाम चाहिए या फिर इससे अगला बुरा इंजाम देखिएगा इसके अपोज़िट आई ट्वेंटी फ़ाइव से ट्वेंटी नाइन मुजरमों की चीहों पुकार दिखेगी आपको इनायतों में अफसोस गिल्ट खराबी हाय मैं मर गया मैंने ये क्या कर दिया काश मैं ऐसा न करता वैसा न करता देखिएगा वम ममन किताब बहु भी शिमा लिही फ यकूल या लई त नीलम ऊत किता बिया वला मदरी माँ हिसा बिया या लई तहका न तिलका दिया मागना नी मा लिया नी सुल्तानिया लेकिन जिसे इसके अमल की किताब इसके बाएं हाथ में दी जाएगी वो तो कहेगा कि काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि यह हिसाब क्या है काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा न दिया मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो फिर इसे तोक पहना दो फिर इसे दोजख में डाल दो फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पेमाइश सत्तर हाथ है जकड़ दो बड़ी बड़ी जंजीरें बड़ा खुला फिरता था ना आज इसको जकड़ो। बेशक ये अल्लाह अजीम अजमत वाले पर ईमान न रखता था और मिसकीन के खाने खिलाने पर अगबत न दिलाता था बस आज इसका ना कोई दोस्त है और ना सिवाय पीप के बस जख्मों का धोवन ना सिवाय पीप के इसकी कोई गजा है जिसे गुनागारों के सिवा कोई ना खाएगा क्या समझ आता है कौन सा इंजाम अच्छा है? क्या चाहते हैं मैं आप दाया के बाया हाथ आज लेफ्ट हैंड से खाने वालों को भी रुकना चाहिए बुरे बाएं हाथ से काम करने वालों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको सीधे हाथ से काम करने की तोफीक़ दे ये किश्ति भी होता है और आप देख रहे हैं मेरा माल मेरे काम नहीं आया मेरी सल्तनत चली गई मेरी रसवाई हो गई और फिर गले के तो कर हो पुकार और जहन्नम की चीख़ें आज बांध लीजिए खुद को कल अल्लाह खुला छोड़ देगा आज हराम छोड़ दीजिए वहाँ की पी पर पस और खून नहीं पीना पड़ेगा और ये सच है दुनिया की सबसे सच्ची ऑथेंटिक किताब में से मैं और आप पढ़ रहे तर्जमे के बगैर पढ़ लीजिए जाइए किसी गैर मुस्लिम से डिक्शनरी लेकर अरब की अरबी की या आयतें पढ़ लीजिए यही तर्ज़मा है इसका कहाँ ले जाए इन आयतों को तो फिर कैसे झूठी उम्मीदें लगाए बैठे हैं